दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बढ़ापुर गेट के बारे में, एक और जहां बिजनौर जिले के तमाम पर्यटक स्थलों को विकसित करने की तैयारी चल रही है, वहीं कॉर्बेट पार्क के बढ़ापुर क्षेत्र में तैयार किए गए नए प्रवेश द्वार से बिजनौर जिले के पर्यटन के सपने को पंख लग जाएंगे। बढ़ापुर गेट नवंबर 2021 से शुरू हो जाएगा। इससे दिल्ली की ओर से आने वाले पर्यटकों को रामनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि नगीना से बढ़ापुर की ओर से नए प्रवेश द्वार से जिम कॉर्बेट पार्क के पाखरो रेंज में एंट्री मिल जाएगी। पाखरो रेंज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। पाखरो रेंज में वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा मात्रा में है। पाखरो रेंज की वजह से बिजनौर जिले में पर्यटकों के लिए ठहरने के लिए अच्छे रिजॉर्ट्स और होटल्स की जरूरत होगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा बिजनौर जिले से काफी दूरी तक सटी हुई है। अमानगढ़ से लेकर नजीबाबाद डिवीजन के क्षेत्र तक जिम कॉर्बेट पार्क का एक बड़ा हिस्सा बिजनौर से सटा हुआ है। इसके बावजूद कॉर्बेट पार्क में प्रवेश के लिए उत्तराखंड के रामनगर से होकर जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। जिम कॉर्बेट प्रशासन ने पाखरो में 106 हेक्टेयर में टाइगर सफारी की शुरुआत की है, जो नवंबर 2021 में शुरू हो जाएगी। जिम कॉर्बेट पार्क में भारी संख्या में पर्यटक जाते हैं। दिल्ली से आने वाले पर्यटकों की संख्या सैकड़ों में होती है। ऐसे में सभी पर्यटक दूरी बचाने के लिए रामनगर तक ना जाकर बढ़ापुर से ही प्रवेश लेंगे, क्योंकि रामनगर का डिस्टेंस दिल्ली से 250 किलोमीटर है, बढ़ापुर का डिस्टेंस दिल्ली से 220 किलोमीटर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने के बाद रुकने के लिए होटल्स और रिजॉर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बढ़ापुर और नगीना क्षेत्र में काफी विकास होने की उम्मीद है। पर्यटकों के लिए अमानगढ़ को भी तैयार किया जा रहा है। अमानगढ़ को पर्यटक जोन के रूप में विकसित करने की मंजूरी भी गवर्नमेंट से मिल चुकी है। अमानगढ़ के पास करीब 15 गांवों में रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि पर्यटक अमानगढ़ में घूमकर यहां पर ठहर सकें। अगले साल तक ये पूरी तरह तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बढ़ापुर गेट, पाखरो रेंज और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।